So today we are going to study about models. What are models? Just like you know, we have already studied about verbs. I have told you about two types of verb that occurs in the sentences generally. First one, the helping verbs. The helping verb. And second are action words. एक्शन वर्ब्स, ओके, एक्शन वर्ब्स में कौन कौन आती है, जो मेन वर्ब होती है, ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब्स, जैसे स्लीप, यस, ठीक है, तो ये तो हो गई तुम्हारी एक्शन वर्ब्स और ये होती है हेल्पिंग वर्ब्स. अब हेल्पिंग वर्ब्स, अभी तक तो हमने एक्शन वर्ब्स को पूरी तरीके से स्टार्ट कर लिया है, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कौन सी होती हैं, वीक वर्ब्स कौन सी होती हैं, उसके अलावा वर्ब के फॉर्म कौन कौन से होते हैं हमने ये भी जान लिया. उसके अलावा हमने ये भी जाना कि वर्ब्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ये भी हमने जान लिया. अब हम जानने जा रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में. किसके बारे में? हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में. अब हेल्पिंग वर्ब भी हमने उन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान लिया है जो इज आर एम, ये सारी जो होती है इज आर एम, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जान लिया है जो क्या बताती है हमें, टेंस बताती है. क्या बताती है? टेंस. मैंने बताया था आप लोगों को कि वर्ब हमें टेंस के बारे में बताता है, वर्ब हमें वर्ब के बारे में बताता है, वर्ब हमें किसी के स्टेटस, किसी के पोजीशन के बारे में बताता है. अब हम बात करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब्स के बारे में. मॉडल्स दे आर एक्चुअली वर्ब्स. तो हमें यहाँ पर पता करना है कि हम कौन से वर्ब्स की बात कर रहे हैं, ठीक है. मॉडल्स को जानेंगे कि इसकी इसके फीचर्स क्या है, ठीक है. तो मॉडल वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब के जैसे ही एक्ट करती हैं. पहला पॉइंट हमें क्या पता चल गया कि एक्ट लाइक हेल्पिंग वर्ब. जैसे एग्जांपल, वी शुड डू आवर होमवर्क. ये क्या हो गया आपका? हेल्पिंग वर्ब की तरह वर्क कर रहा है. ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है. तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है. इसलिए इस सेंटेंस में ये एक्ट किसकी तरह कर रहा है? हेल्पिंग वर्ब की तरह. तो मॉडल जो है वो एक्टिंग कैसे एक्ट करते हैं? हेल्पिंग वर्ब की तरह एक्ट करते हैं. नंबर टू, दे डोंट afford different form of verb, form of main verb. अब कहोगे मैम ये क्या चीज है? देखो, अभी मैंने आप लोगों को बताया थोड़ी देर पहले कि मेन वर्ब के कुछ फॉर्म होते हैं. क्लास में बताया था ना क्या कौन कौन से होते हैं मेन वर्ब के फॉर्म? कौन बताएगा मुझे? प्लीज रेज योर हैंड. I would like to see what are the forms of verb. Utkarshi, can you tell? Yes, ma'am. Tell the ma'am. Fault. Fault. मैंने पूछा बेटा कि verb के कौन-कौन से form होते हैं? Form. कितने form होते हैं verb के? Main verb के. जितने भी आपके एक्शन वर्ब्स होते हैं उनके कितने फॉर्म होते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस? अच्छा, कौन कौन से बेटा? थ्री फॉर्म. वेरी गुड. जैसे मैंने बताया कि मेन वर्ब्स के कई फॉर्म होते हैं और उस फॉर्म के थ्रू हम उसके टेंस का पता लगाते हैं. जैसे कि आपका सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा आपका पास्ट टेंस, और तीसरा आपका होता है पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, ये होता है आपका फॉर्म. ठीक है, ये तीन फॉर्म होते हैं किसी भी मेन वर्ब के. लेकिन जब मॉडल वर्ब आता है तो उसके वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आता. क्या नहीं आता बच्चों? उसमें कोई भी चेंज नहीं आता. ना ही वो सिंपल होता है, ना ही वो पास्ट होता है, ना ही वो पास्ट पार्टिसिपल होता है. फिर से सुन लो, मैंने क्या बताया कि मॉडल वर्ब्स अफोर्ड नहीं करते. क्या अफोर्ड नहीं करते? डिफरेंट
अफोर्ड नहीं करते। इसका मतलब वो जब भी यूज किए जाएंगे वो अपने पॉजिटिव फॉर्म में ही यूज किए जाएंगे। क्या समझ में आया? कौन बताएगा मुझे? मेरे साथ चेक कर लो किसको समझ में आया किसको नहीं। एक मिनट। बाल कृष्ण कैन यू लिसन मी? यस मैम। हाँ बेटा ये बताओ, अभी मैंने आपसे कहा कि वो पॉजिटिव फॉर्म यूज करेंगे, मतलब कि अगर हम जैसे मानो कि मैं मे लगा देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? आई मे डैश नाउन लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें मुझे मे क्या कहते हैं गो लगाना है, तो आप बताओ कि गो की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म? बालकृष्ण टेल बेटा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं वो आपको वो क्या करते हैं, वो केवल और केवल वर्ब के पहले फॉर्म का ही यूज करते हैं। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि आई कैन वेंट, आई कैन गो ही बोलेगा, ठीक है। तो आपके जितने भी मॉडल्स होते हैं वो वर्ब के फॉर्म्स को अफोर्ड नहीं करते, उनमें हम जनरली डायरेक्ट पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। सबको इतनी बात समझ में आई तो आगे बढ़े। ओके वेरी गुड। ओके नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हु आर मॉडल्स। मॉडल्स हैं कौन कौन से, पहले हमें ये भी तो बताना चाहिए ना, हम जिसके बारे में इतनी बातें करे जा रहे हैं वो है कौन कौन से। आई नो दैट मेनी ऑफ यू आर नोइंग अबाउट ऑल द मॉडल वर्ब्स, इवन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। लाइक फर्स्ट वन दैट इज शैल, सेकेंड इज शुड, थर्ड वन इज विल, नेक्स्ट वर्ड, देन कैन, नेक्स्ट वन इज कुड, देन बी एबल टू, मे, माइट, ऑट टू एंड मस्ट। All are these. Now it is completed. Class learn them. Shall, should, will, would, can, could, be able to, may, might, ought to and must. Okay? These are modal verbs. Class please mute yourself. Who is speaking now? Garbika, please mute yourself, my dear. Garbika, I said. So class, इतना समझ में आया सबको? आगे बढ़ो। Yes ma'am. So now listen to me. So models का आखिर use क्या है? जैसे कि अभी हम normal helping verbs पढ़ते हैं, तो उनका मेन यूज क्या होता है? टेंस बताना, ये बताना कि वो एक्शन हुआ कब है, ठीक है, मेनली क्या बताना कि वो एक्शन हुआ कब है। इसी तरह मॉडल्स भी किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, तभी तो इनका निर्माण हुआ है ना। तो सबसे पहले वो किसकी बात करते हैं? परमिशन। पहला रीजन क्या है? परमिशन। अब परमिशन के लिए जनरली हम क्या करते हैं, आप लोग जब मैं से अपने परमिशन मांगते हो तो क्या बोलते हो? मे आई गो टू आउटसाइड, ये क्वेश्चन बोलते हो। तो हमने किसका यूज करा? मे का यूज करा। अभी आप किसी फ्रेंड से पेंसिल मांगोगे तो क्या बोलोगे? कैन आई टेक योर पेंसिल? तो कैन का भी यूज कर दिया हमने, ठीक है। तो अब परमिशन के लिए हम मे और कैन दोनों का यूज करते हैं, कई बार शैल का भी यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये यूज बहुत ही ज्यादा विनम्र वाक्यों के लिए किया जाता है, इसका यूज बहुत कम होता है। जनरली हम इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसी से हम पर्याप्त विनम्रता अपनी बातों में ला सकते हैं। विनम्रता मतलब जितना ज्यादा हम उसमें हम्बल जितना ज्यादा अपने सेंटेंस को हम्बल बनाना चाहते हैं तो हम मे का यूज करके परमिशन मांग सकते हैं, ठीक है।
जैसे हमने बताया ना कि हम्बल बनना, मतलब हम्बल किसके सामने बनोगे आप? ज्यादातर जो आपसे क्लोज नहीं होगा उसके सामने आप हम्बल बनने का ज्यादा प्रयास करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉसिबिलिटी। किसी चीज की पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, हम भविष्यवाणी करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी बताएंगे। जैसे मैंने कहा कि शायद बुधवार को छुट्टी हो, या मैं कहूँ कि इट विल बी अ हॉलीडे, तो हमने किसका यूज करा, विल का यूज करा, ठीक है। तो विल एक तरीके से पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज होता है, और मे का भी यूज करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मिस्टर गुप्ता कल आएंगे, तो मैं क्या बोलूंगी, मिस्टर गुप्ता मे कम टुमारो या विल कम टुमारो। अब विल कम टुमारो में तो परफेक्ट हो गया कि हाँ वो आएंगे, इसमें 90% की क्या हो गई हमारी पॉसिबिलिटी हो गई, परफेक्ट की पॉजिटिव पॉजिटिव हो गई, और इसमें क्या हो गई, इसमें लोअर पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। और इसमें कुड का भी यूज करते हैं। क्लास में तुम लोगों को बताते जा रही हूँ, इसको नोट करते जाओ। क्लास प्लीज नोट दैट ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। जैसे परमिशन के लिए मे का भी यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं, शैल का भी यूज करते हैं, ठीक है, शुड का भी यूज करते हैं। हाँ, अभी मैं आप लोगों को क्लैरिफाई करूंगी कि किसका यूज कहाँ करना है, लेकिन वो तो हम तब जानेंगे ना जब हमको ये बात पहले से ही पता रहेगी कि आखिर हमें यूज किसका करना है कि नहीं। जैसे अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ठीक है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स लगने हैं आपको यही नहीं पता रहेगा, तो आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे कैसे? तो पहले तो हमें क्या करने हैं, इक्विपमेंट जुटाने हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले इक्विपमेंट जुटा रही हूँ, फिर क्लैरिफाई करूंगी कि कौन सा इक्विपमेंट किस एक्सपेरिमेंट में काम आएगा, ठीक है। तो ये सारे इक्विपमेंट्स हैं हमारे, मॉडल वर्ब जो है सब इक्विपमेंट्स हैं सेंटेंस को परफेक्ट बनाने के लिए, उसका परफेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला तो हमारा मे हो गया, मैंने क्या बताया, परमिशन के लिए मे का भी यूज करते हैं, कैन का भी यूज करते हैं, शैल का भी यूज करते हैं, और शुड का भी यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये अलग अलग जगहों पर यूज किए जाते हैं। अब मैं तुम लोगों को सेंटेंस के थ्रू बताऊंगी इसको, पहले हम सारे इक्विपमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। दूसरा हमारा पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी पता चलती है किससे, विल से, मे से, कुड से और माइट से भी, ठीक है, नोट करते जाओ, माइट से भी पता चलती है, ठीक है। अगला है हम बात करने जा रहे हैं एबिलिटी की, बात करने जा रहे हैं एबिलिटी का पता हम किससे कर सकते हैं, कैन से और कुड से। कई बार मे का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है, माइट का भी यूज किया जाता है, लेकिन सबके अलग अलग पॉइंट है, लेकिन तुम लोग इसको नोट कर लो। कैन जो है वो प्रेजेंट के लिए, जब एबिलिटी की बात होगी, फिर से सुन लो बता रही हूँ, जब एबिलिटी की बात होगी तो कैन का यूज होगा प्रेजेंट के लिए और कुड का यूज होगा पास्ट टेंस के लिए। मैं और किसी भी पॉइंट की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ और सिर्फ एबिलिटी की बात कर रही हूँ, ना परमिशन की बात कर रही हूँ ना पॉसिबिलिटी। देखो सेम मॉडल वर्ब्स अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के लिए यूज किए गए हैं, ठीक है, कोई किसी के लिए परफेक्ट यूज नहीं होता, लेकिन हमें उसे कैसे खेल करना है उन शब्दों का, यही चीज तुम्हें सिखा रही हूँ। एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए, कुड का यूज करते हैं पास्ट के लिए, मे का यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए और माइट का यूज करेंगे पास्ट के लिए। जैसे कि मैं संभावना जताऊं अपनी एबिलिटी की, तो हम मे का यूज करेंगे, लेकिन अगर हम अपनी परफेक्ट एबिलिटी की संभावना नहीं बल्कि जो सत्य बता रहे हैं, तो कैन का यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा आई कैन डांस, इसका मतलब मैं अभी डांस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ आई कुड डांस, इसका मतलब मैं पहले डांस कर पाता था। दूसरा अगर लिखूँ आई मे डांस, हाँ मैं डांस कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर परमिशन जैसी फीलिंग भी आ सकती है, लेकिन मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप हमेशा प्रयास यही करिएगा कि आप कैन और कुड में ही इसको निपटा दीजिए, मे और माइट का यूज नहीं करिएगा, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज ड्यूरिंग यूज ऑफ मॉडल्स, क्योंकि मॉडल्स